और चले अब आपको सीधे लिए चलते विद्याधर नगर। दिया कुमारी क्या कुछ कह रही है, एक बार सुनाते हैं। सिर्फ तुष्टीकरण किया है, महिलाओं पे जितना अत्याचार बढ़ा है, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी है, ये सारे मुद्दे जनता के सामने, जनता परेशान हो चुकी है, दुखी हो चुकी है और सब चाहते हैं इस कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ के और भारतीय जनता पार्टी का शासन। बीजेपी ने संकल्प पत्र भी जारी कर दिया, क्या लगता है इससे जनता को कितनी राहत मिल पाएगी? बहुत राहत मिलेगी और बीजेपी का संकल्प पत्र जो है, मैनिफेस्टो है, वो पूरी तरह से विजन के साथ है। उसमें महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, युवाओं को न्याय दिलाने की बात की है, रोजगार की बात की है, किसानों के लिए बोला है, हर प्रकार से एक लॉन्ग टर्म विजन, एक लंबी सोच के साथ ये संकल्प पत्र बनाया गया है। और इसमें जो सुझाव थे वो पूरे प्रदेश भर में कई महीनों से हम लोग सुझाव भी ले रहे थे, हर वर्ग का व्यक्ति आया और सुझाव दिया कि आपको हम ये चाहते हैं। तो जनता के जो एक्चुअल में जनता चाहती है उस हिसाब से, उसी के मुताबिक ये संकल्प पत्र तैयार हुआ है। आप लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही है, कई मुद्दे उठाते हैं, क्या जनता में किस तरह का रिस्पॉन्स है? देखिए, जनता में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैंने बोला आपको कि कांग्रेस से परेशान है, भारतीय जनता पार्टी को सब चाहते हैं वो भारतीय। आज आपने देखा हमारे बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी किया, उन्होंने जो पद पे थे या पद पे हैं अभी, उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। तो देखिए आप कितनी नाराज़गी है, जब वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही सम्मान नहीं करते, देखभाल नहीं करते, तो जनता के बारे में क्या सोचेंगे जी? कल परसों की बात है, हरमाडा में कल सुबह की एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, गैंगरेप हुआ, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तुरंत हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने पुलिस को कहा, तब जाके पुलिस हरकत में आई, तब तक पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी। ये हर बार होता है, पूरे राजस्थान में यही हालत है। हर प्रकार से इनके लोग रीट में भी, रीट की परीक्षा लीक जो हुई है 19 बार, उसमें भी इनके मंत्री और अधिकारी शामिल हैं, और जल जीवन मिशन में भी जो घोटाला हुआ है उसमें भी मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। ये क्या है, राजस्थान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? राजस्थान की जनता ने आपको मौका दिया सेवा करने का, इंस्टेड सेवा तो दूर की बात है, आपने बस कुर्सी बचाई, और क्या किया आपने 5 साल? आप महिला हैं और महिलाओं की बात करते हैं, अभी कुछ दिनों पहले महिलाओं के साथ जो घटना हुई उसमें आप भी गए, वहाँ पर गए, लेकिन आप कांग्रेस कहती है कि हम तत्काल कार्रवाई करते हैं, फिर ऐसा क्यों लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही? कहाँ हुई थी कार्रवाई? कल सुबह हम लोग, ये वैसे परसों की घटना है, परसों जो परिवार है वो गया थाने में, उन्होंने कोशिश की रिपोर्ट दर्ज करने की, जब सुनवाई नहीं हुई तब जाके सुबह, कल सुबह उन्होंने मुझे कॉल किया, पूरी उन्होंने प्रयास किया कि सुनवाई हो जाए, रिपोर्ट दर्ज हो जाए, कार्रवाई हो, नहीं होती। यही सेम ऐसा ही हुआ था भिलवाड़ा में, ऐसा ही हुआ था करौली में, जहाँ जहाँ मैं गई प्रतापगढ़ में यही हुआ, वहाँ यही बात निकल कर आई है कि हम लोग थाने में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, और जब रिपोर्ट हम लोग, जब बीजेपी की टीम जाती है, थोड़ा प्रेशर डालते हैं, बोलते हैं रिपोर्ट दर्ज करो, काम करो, तब जाके काम होता है। आपकी लड़ाई कांग्रेस के सीताराम हैं, कांग्रेस से वो सामने, लेकिन वो आरोप लगाते हैं कि ये राजा और रंग की लड़ाई, आप भगवान राम के वंशज बताते हैं, वो सीता के राम, कैसे देखते हैं? मैंने तो देखिए, जब इनके खुद के नेता, इनकी पार्टी के नेता कहते हैं राम काल्पनिक है, सनातन का ये लोग अपमान करते हैं, इनके जो सहयोगी दल हैं इंडिया अलायंस के, वो सनातन का लगातार अपमान कर रहे हैं, ये सही है क्या? ये कांग्रेस चुप्पी क्यों साधे हुए है? कांग्रेस कभी भी उसका वो नहीं करती कि नहीं, एक गलत बात है, कभी नहीं। दूसरी बात, राजा और रंग, हम सभी ने एफिडेविट फाइल किया था अभी अपने इलेक्शन में, आप उसी में देख लीजिए कौन राजा है और कौन रंग है। और अगर आज राजा भी कहते हैं तो देखिए, मेरे पूर्वजों ने जयपुर को बसाया था और जयपुर को बहुत कुछ दिया है, मैं बहुत, मुझे गर्व है कि मैं उनकी आज उन्हीं की परिवार से हूँ। और उसमें क्या, मुझे लगता है कि अगर वो कहते हैं राजा, तो क्या राजा होना कोई गुनाह है? मैं राजा और राजकुमारी नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं, मेरे परिवार ने सेवा की है जनता की, और उसी परिवार से मैं हूँ। और आज 10 साल से मैं राजनीति में हूँ, 10 साल से मैं सवाई माधोपुर में 5 साल और 5 साल राजसमंद में जनता की सेवा की, जनता के लाखों करोड़ों के काम किए, और इसीलिए आप देखें आज मेरे इतने सारे कार्यकर्ता दोनों क्षेत्रों से यहाँ मेरा प्रचार कर रहे हैं। अगर मैंने काम नहीं किया होता तो वो कभी नहीं आते, वो सब चीज़ें, मेरा तो पूरा रिपोर्ट कार्ड सामने है। इनका क्या रिपोर्ट कार्ड है? सिर्फ ये कि मैंने बोरिंग लगवाई और मैंने हैंडपंप लगवा दिया, और ये देखिए 800 करोड़ की ये लोग बातें करते हैं। 800 करोड़ कहाँ से आए, मैं पूछना चाहूँगी? गवर्नमेंट का पैसा था, JDA का होगा, कोई डिपार्टमेंट का होगा, वो तो फिर गवर्नमेंट का पैसा है, ये आपका थोड़ी है कुछ। और दूसरी बात, ऐसी बातें करनी भी नहीं चाहिए, किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी किसी को पर्सनली अटैक नहीं करती, ना मैं करती हूँ, ना मेरा परिवार ने मुझे ये संस्कार दिए हैं, ना मेरी पार्टी ने मुझे ये सिखाया। भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है तो बड़े मुद्दों पे करती है, राजस्थान के मुद्दों पे बात करती है, स्थानीय मुद्दों पे बात करती है और राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करती है। हम लोग ये बात नहीं करते कि तुम्हारा बैंक अकाउंट ज़्यादा है या मेरा बैंक अकाउंट ज़्यादा है। मुझे लगता है जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इसके पास पैसा ज़्यादा है, इसके पास पैसा कम है। अरे भाई, अच्छा है ना, पैसा अगर किसी के पास है तो शायद वो बहुत काम भी करेगा। लेकिन ये सब बातें बहुत ओछी राजनीति की बातें हैं। हमको बात करनी चाहिए कि हमारा विजन क्या है, हमारा विद्याधर नगर के लिए क्या सपना है, क्या विजन है, जयपुर के लिए क्या है, हम लोग क्या करेंगे। हम लोग लॉ मेकर्स होंगे। जब आप एक एमएलए बनते हो, आप वहाँ विधानसभा में बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हो, सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए करा सकते हो। जब मैं एमपी हूँ अभी, मैं ये कुछ बिल रखती हूँ, प्राइवेट मेंबर्स बिल लगाए हैं मैंने, जब हमारा कोई ऐसा बिल आता है तब हम लोग हमारी बात रखते हैं, डिबेट करते हैं। कई बार हम लोग डिबेट करते हैं, कई बार हम लोग भी कहते हैं कि ये सुझाव आप बिल में।